अभी हाल में ही आप लोग देख रहे होंगे कि ईरान और चीन के बीच कई तरह के समझौते भी हो रहे हैं, और भारत के लिए सब चिंता के क्यों कारण बने हुए हैं उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं आज। और भारत और ईरान को भी देखेंगे हम लोग, और चीन और ईरान को भी देखेंगे। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि जब आप किसी अपने दोस्त के साथ कोई आप कहिए बिजनेस कर रहे हो या कोई समझौता हो आप लोगों के बीच, अगर आपका दुश्मन भी आपके दोस्त के साथ मिल जाता है तो आपके और आपके दोस्त के बीच खटास आना स्वाभाविक सी बात हो जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि चीन ईरान में हम लोग कई तरह की परियोजनाएं भी चला रहे हैं, जिसमें चाबहार प्रमुख परियोजना है, आपने देखा होगा। तो आपने देखा कि चीन भी वहां काम कर रहा है, तो अब एक खटास पैदा होने लगी है। और किस कारण आप देख सकते हैं कि भारत पर प्रभाव पड़ेगा, सब कुछ आज हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले आपको मैप्स पर ले चलता हूं। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें हम देखेंगे हमारा प्यारा भारत। ये है हमारा प्यारा भारत। अगर हम भारत के पड़ोसियों की बात करें तो श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। तो सबसे ज्यादा सीमा हमारी बांग्लादेश से और सबसे कम अफगानिस्तान से, पीओके वाले हिस्से की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। और चीन की बताऊं तो चीन की हमारी सीमा चीन से डायरेक्ट नहीं लगती थी। आप जानते हैं जो आपका अक्साई, यानी कि आप कहिए एक तरह से कि तिब्बत हुआ करता था, तिब्बत हुआ करता था ये पूरा यहाँ तक। तो इस पर जब से आपने देखा कि चीन ने कब्जा कर लिया है, चीन ने अपने अंदर ले लिया है, तब से चीन से हमारी सीमा साझा करने लगी। यहाँ अभी देख रहे होंगे कि हमारी और चीन के बीच झड़प भी हुई थी, जिसमें हमारे 20 सैनिक के करीब शहीद भी हुए थे। ये अक्साई चीन में यहाँ हुआ था, लद्दाख के पास, ठीक है। और ईरान की स्थिति की बात करूं तो यह है ईरान, और यहाँ हम लोग चाबहार बंदरगाह पोर्ट का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ ग्वादर पोर्ट का निर्माण कर रहा है चाइना आपका, ठीक है। और एक बात और याद रखिए, हम लोग चाबहार पोर्ट का निर्माण इसलिए कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि अफगानिस्तान, बाकी ये देश हैं, इन तक हमारी पहुंच आसान हो सकेगी। क्योंकि आप जान रहे हैं कि जैसे हमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान जाना है, तजाकिस्तान जाना है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जाना है, तो यहाँ से हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ आप देखते हैं पीओके वाले पर हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है, इस तरफ चीन है। इन दोनों देशों से हमारे संबंध कुछ सही नहीं चल रहे, तो हम लोगों ने एक विकल्प का यहाँ से रास्ता चुन लिया था, ठीक है। तो देखते हैं आगे किस इस आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है। हाल ही में चीन और ईरान ने गुप्त तौर पर एक व्यापक सैन्य और व्यापार साझेदारी का मसौदा तैयार किया है। दोनों देशों के बीच हुआ यह रणनीतिक और व्यापारिक समझौता अगले 25 वर्षों तक मान्य होगा। यह सौदा अगले 25 वर्षों में ईरान की प्रमुख क्षेत्र जैसे कि ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में लगभग 40 सॉरी 400 बिलियन डॉलर के चीनी निवेश का मार्ग प्रशस्त करेगा। अभी आप करंट में जान रहे होंगे कि ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं अमेरिका ने, और इसी कारण हमने देखा है कि हम लोगों ने जो वहां पर योजनाएं चल रहा था चल रही थी उन पर हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, या आप एक तरह से कह सकते हैं रोक दिया। और आप जानते हैं कि अमेरिका और चीन की तनी तनी चल रही, मतलब आप सोचिए कि व्यापार युद्ध चल रहा है, एक तरह से युद्ध ही चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान का साथ भरपूर दे रहा है चीन, और आप समझिए कि जिसके बुरे वक्त में आप खड़े होंगे वो आपका हमेशा अच्छा दोस्त रहेगा। तो आज देखा जा रहा है कि चीन की तरफ झुकाव ईरान का देखा जा रहा है, और हम जितनी मदद नहीं कर रहे हैं, हमें करनी चाहिए थी लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो आपने देखा उसने भी, ईरान ने भी दूसरा विकल्प ढूंढ लिया। चीन और ईरान के ऐतिहासिक संबंध की पृष्ठभूमि की अगर बात करें हम लोग, तो ईरान और चीन के मध्य संबंध का लगभग 200 ईसा पूर्व, यानी कि बीसी की बात कर रहा हूं, 200 ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुए, जब पार्थियन और ससानिद साम्राज्य वर्तमान ईरान और मध्य एशिया तथा चीन के हान, तांग, सांग, युआन और मिंग राजवंशों के बीच नागरिक संपर्क स्थापित हुआ था। आधुनिक काल में ईरान और चीन के संबंध लगभग 50 पुराने हैं। वर्ष 1979 में हुई ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में स्थापित नई सरकार को चीन ने मान्यता प्रदान की थी, जिसके कारण इन दोनों देशों की आपसी संबंधों में और मजबूती आ गई है। अभी हम लोग देखेंगे तो पाकिस्तान चीन की गोदी में जाकर बैठ चुका है, आप देखते हैं नेपाल भी जाकर चीन की गोदी में बैठ चुका है, क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल चीनी भाषा बोल रहा है नेपाल भी। उसने तो यहां तक भी बोल दिया कि जो हमारे यहाँ वायरस फैलाया जा रहा है कोरोना, वो भारत फैला रहा है,
और भारतीय वायरस कोरोना वायरस से खतरनाक है। और आपने देखा है राम भगवान के नाम पर भी उसने राजनीति शुरू कर दी, बुद्ध के नाम पर भी राजनीति शुरू कर दी है, अभी उसने नया मैप जारी किया उसे भी आपने देखा होगा। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि हमारे जो भी पड़ोसी देश हैं उनका झुकाव हमसे ज्यादा चीन की तरफ दिखाई दे रहा है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि हमें अपनी विदेश नीति में झांकने की जरूरत है, सुधार करने की जरूरत है। ईरान और चीन के बीच 25 वर्षीय रणनीतिक साझेदारी के भावी प्रावधानों की बात करें तो चीन वन बेल्ट वन रोड पहल के तहत पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से ईरान तक अवसंरचना निर्माण को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही नई सिल्क रोड के तहत CPEC के तर्ज पर ईरान को चीन सिंजियांग से तेहरान से जोड़ा जाएगा, जिससे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान होते हुए तुर्की के रास्ते यूरोप तक पहुंच की चीन की दूरगामी रणनीति को भी बल प्रदान होगा। ईरान में चीन द्वारा 400 अरब डॉलर का निवेश आईटी और दूरसंचार से लेकर बंदरगाहों के विकास और रेलवे नेटवर्क के विस्तार जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर सकता है, जिससे ईरान को आर्थिक और अवसंरचना संरचनात्मक तौर पर बहुत लाभ मिल सकता है। और याद रखिए, अभी चीन को ईरान को सॉरी सबसे ज्यादा वित्त की जरूरत है, इस तरह की समझौतों की जरूरत है, क्योंकि ईरान पूरी तरह से घिरा हुआ है। अमेरिकी पाबंदियों की वजह से ईरान में विदेशी निवेश लगभग ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में चीन की वजह से ईरान में विदेशी निवेश, तकनीक और विकास को गति मिलेगी। दूसरी तरफ कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातक देश चीन को ईरान से बेहद सस्ती दरों पर तेल और गैस मिलेगी। जापान की निक्की अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी विश्व ऊर्जा बाजार को बदलकर रख सकती है, क्योंकि आज भी ऊर्जा और तेल की अंतरराष्ट्रीय समीकरणों में निर्णायक भूमिका है। और ये याद रखिए कि अभी आप कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि भारत ने भी ना के बराबर अब हम लोग तेल ईरान से कच्चा तेल आयात करते हैं, क्योंकि अमेरिका की वजह से, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है और हम लोग डरते हैं एक तरह से कि अगर हमने कुछ वहां निवेश किया या वहां से कुछ खरीदा तो अमेरिका हमारे ऊपर भी कुछ सैंक्शन ना लगाती। तो आप देख रहे हैं कि जो ईरान है ये सस्ता तेल बेच रहा है सबसे, तो इसका भी फायदा चीन को मिलेगा। ईरान दुनिया में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत भी है, जबकि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ईरानी तेल की चीन में खपत से तेहरान के खिलाफ वॉशिंगटन के प्रतिबंध नाकाम होकर रह जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप सोचिए कि आपका गांव में कोई दुकानदार है, आप उससे सौदा नहीं लेते हैं, कोई भी आपसे सौदा उनसे नहीं लेता है। अगर कोई दूसरा इतना बड़ा मतलब खरीदार मिल जाए कि उस दुकानदार की पूरी सौदा खरीद ले, तो उसे आपके प्रतिबंधों से आप लोग खरीदिए या ना खरीदिए फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही कर रहा है कि ईरान से कोई खरीदे या ना खरीदे, लेकिन चीन जानते हैं आप लोग कि दूसरी अर्थव्यवस्था है सबसे बड़ी और जनसंख्या के मामले में भी पहले नंबर पर है चीन, तो वो सब कुछ यहाँ मतलब एक तरह से संतुलन बना रहा है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 400 अरब डॉलर की डील के तहत ईरान चीन को अगले 25 वर्षों तक बेहद सस्ती दरों पर कच्चा तेल देगा और बदले में चीन ईरान में बड़े स्तर पर निवेश करेगा। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार यह समझौता ईरान के चीनी सैन्य ठिकानों के लिए भी रास्ता बन सकता है, जो इस क्षेत्र की भौगोलिक राजनीति को मौलिक रूप से बदल सकता है। और चीन और ईरान संबंधों का भारतीय हितों पर प्रभाव की बात करें कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ईरान और चीन के बीच 25 वर्षीय रणनीतिक और व्यापारिक समझौते के दरमियान यह खबर भी आई है कि ईरान ने चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को अलग कर दिया है। ईरान ने इसकी वजह भारत की ओर से फंड मिलने में देरी को बताया है, यानी कि हम देरी, वहां जो भी परियोजनाएं चल रही हैं उसमें देरी लगा रहे हैं, इसलिए आपने देखा होगा रेलवे प्रोजेक्ट पर ईरान काम करने लगा है। अब आप जानते हैं कि ईरान बिना किसी की मदद के साथ काम नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका वित्त नहीं है इतना ईरान के पास, तो कहा जा रहा है कि चीन की मदद से ये काम कर रहा है। ईरान और भारत के बीच 4 साल पहले चाबहार से अफगानिस्तान सीमा पर जाहेदान तक रेल लाइन बिछाने को लेकर समझौता हुआ था। अब ईरान ने अपने आप ही इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का रास्ता लिया और इस पर काम शुरू कर दिया है। हालांकि ईरान द्वारा बाद में इसका खंडन करते हुए इस तथ्य को निराधार बता गया, लेकिन ईरान और चीन के बढ़ते संबंध भारतीय नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। विशेषज्ञों का अगर हम लोग माना कहा माने तो ईरान और चीन के बीच 25 वर्षीय रणनीतिक और व्यापारिक समझौते से भारत को काफी नुकसान होगा, क्योंकि ईरान में चीन की उपस्थिति भारतीय निवेश व सुरक्षा के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। इसके अतिरिक्त चीन की ईरान में उपस्थिति भारत की मध्य एशिया तक होने वाली पहुंच
पहुंच को भी बाधित कर सकती है। और चीन का एक तरह से आप साहूकारों जैसा हाल है। पुराने जमाने में आप लोग देखते थे ना साहूकार कि वो किसी व्यक्ति को इतना ऋण दे देते किसानों को कि ऋण का आप समझिए अगर उसका ब्याज भी चुकाना है तो किसान को साहूकार पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और आप जानते हैं कि किसान कितनी बुरी से तरह से फंस जाता था, कोई फैसला भी नहीं ले सकता था उस समय। और आखिर टाइम या तो अपनी जमीन बेच देता था या अपने घर में जो भी गहने हुआ करते थे महिलाओं के उन्हें बेच देता था या अपने पशु साधन हुआ करते थे उन्हें बेच देता था। तो आप आवाज भी तो नहीं उठा सकते हैं अगर आप पर किसी का ज्यादा कर्ज है ऋण है तो। यही करता है। पाकिस्तान को देख सकते हैं, श्रीलंका को देख सकते हैं आप लोग कि अब कोई आवाज नहीं उठाता है कि हम चीन से नाता तोड़ देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, क्योंकि चीन पूरी तरह से कब्जा कर लिया उसने चीनी क्षेत्र में उपस्थिति से। अफगानिस्तान में पाकिस्तान, चीन और ईरान समर्थित तालिबान की सत्ता में आ जाने की प्रबल संभावना बनेगी जिससे भारतीय हित गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। यहां पर यह भी एक तथ्य ध्यान देना होगा कि अगर अफगानिस्तान में राष्ट्रवादी सरकार की स्थापना नहीं हुई तो इस दिशा में पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले पश्चिमी सीमा की सुरक्षा से स्वतंत्र होकर अपनी पूर्वी सीमा यानी भारत पाकिस्तान सीमा पर अपनी स्थिति और ज्यादा मजबूत करेगा जिससे भारत में आतंकवाद समर्पित अन्य घटनाओं में वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। चीन के इस क्षेत्र में उपस्थिति से भारतीय कंपनियों का ईरान और अफगानिस्तान में रणनीतिक निवेश और व्यापारिक संभावनाओं को भी हतोत्साहित करेगा यानी कि इन्हें भी प्रभावित करेगा। इस समझौते का पश्चिम एशिया और के देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर भी बात कर लेता हूँ। पश्चिम एशिया में ईरान, सऊदी अरब, इजराइल ही वे 3 देश हैं जिनका प्रभाव न सिर्फ इस क्षेत्र पर असर डालता है बल्कि इन तीनों के बीच नाजुक संतुलन में थोड़ा सा अंतर आने से समूचा विश्व अछूता नहीं रहता है। अगर इनके बीच थोड़ा भी अगर संतुलन बिगड़ता है तो पूरे विश्व पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ईरान में इतने बड़े पैमाने पर चीनी निवेश के कारण सऊदी अरब और इजराइल की चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है। ऊर्जा के क्षेत्र में 280 बिलियन डॉलर का चीनी निवेश निश्चित ही ईरान को तेल उत्पादन में सऊदी अरब से आगे ले जाने की क्षमता रखता है। साथ ही चीन और ईरान का सैन्य सहयोग क्षेत्र के संतुलन को ईरान के पक्ष में कर सकता है। पश्चिम एशिया में ईरान के बढ़ते वर्चस्व से इजराइल की चिंता और भी बढ़ सकती है। आर्थिक रूप से संपन्न और अन्य सैन्य शक्ति से लैस ईरान इस क्षेत्र में सऊदी अरब एवं इजराइल की प्रभुत्व को निश्चित तौर पर कमजोर कर सकता है चीन की मदद से। इस संदर्भ में ईरान के तत्कालिक भू आर्थिक वातावरण में चीन की भारी उपस्थिति के साथ साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बी आर आई को ईरान के पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु होने की ऐतिहासिक स्थिति को पुनः स्थापित करने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इसके साथ ही ईरान को यह भी डर है कि कहीं चीन उस पर आर्थिक रूप से हावी ना हो जाए और क्षेत्र में ईरान के उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा कम ना हो जाए। और चीन के याद रखिए ईरान के पास कोई विकल्प भी तो नहीं है, अभी उसकी मजबूरी है चीन से समझौता करना, चीन की सहायता लेना। और भारत इंतजार इसलिए कर रहा है कि 2020 में लास्ट में आप देख रहे हैं कि नवंबर के करीब चुनाव है अमेरिका में, तो उसके बाद आप देखते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हटते हैं, दूसरे आते हैं कोई, उनका ईरान के प्रति कैसा नजरिया होगा, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। आगे की राह क्या हो सकती है इस पर। विगत कुछ वर्षों में भारत का अमेरिका एवं इसराइल के साथ संबंधों में आई गतिशीलता ने तेहरान को वैकल्पिक रणनीति अपनाने के लिए मजबूर किया है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत में ईरान से होने वाले तेल का आयात बंद कर दिया गया जिसको लेकर भी ईरान की को आपत्ति है। यानी कि आप समझिए कि हम किसी देश के प्रभाव में आकर इस तरह के कदम उठाते हैं तो हमसे आगे कोई समझौता करने से डरेगा, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि समझौता उसी से किया जाए जो निर्डर होकर काम करे, कभी उस काम को ना रोके। भारत को अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब के संबंधों के साथ साथ ईरान के साथ घनिष्ठ संबंधों पर भी बल देना होगा, क्योंकि दोनों विकल्प में किसी एक को चुनने से भारत को गंभीर सामरिक आर्थिक क्षति हो सकती है। याद रखिए अमेरिका के कारण ही हमारा रूस कितना अच्छा मित्र हुआ करता था आज हमसे दूर होता जा रहा है, पाकिस्तान और चीन की तरफ झुकाव देखा जा रहा है। तो भारत को अपनी विदेशिक नीति को स्वतंत्र रूप से संचालित करनी चाहिए।
ताकि राष्ट्रीय हितों को मजबूती से साधा जा सके। इसके अतिरिक्त भारत को अपनी विदेशी परियोजनाओं यथा चाबहार बंदरगाह आदि को विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य करना होगा, ताकि ईरान समेत सभी पश्चिम एशिया के देशों को यह यकीन हो जाए कि भारत अपनी परियोजनाओं को लेकर प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को प्रति संतुलित करने हेतु ईरान और रूस के साथ भारत की प्रस्तावित उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिसे भारत का अफगानिस्तान समेत मध्य एशिया में व्यापार वाणिज्य को बढ़ाते हुए अपने रणनीतिक हित साध सके। एक बात और याद रखिए, कई लोग अभी खुशी मना रहे हैं कि अमेरिका हमारी तरफ झुक रहा है, अमेरिका ऐसा कर रहा है, अमेरिका ऐसा कर रहा है। अमेरिका याद रखिए उस मतलबी दोस्त की तरह होता है कि जिसका मतलब है तो वो आपसे दोस्ती कर लेगा, आपके दुश्मन से भी दोस्ती कर लेगा अगर आप उसका मतलब कोई निकल रहा हो, और जब उसका मतलब निकल जाता है तो वो बीच में छोड़कर चला जाता है। एक समय आप देखते थे कि पाकिस्तान और चीन की तरफ अमेरिका का सबसे ज्यादा झुकाव हुआ करता था, रूस हमारी तरफ झुकाव रहता था, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चीन को अगर प्रतिस्थापित करना है, चीन को आगे बढ़ने से रोकना है तो भारत की मदद चाहिए अमेरिका को, इसलिए अमेरिका हमारे साथ दे रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में आप देखें कि चीन उसके लिए फायदे का सौदा बन जाए, तो वो हमें भी छोड़कर चीन की तरफ भी झुकाव कर सकता है। ठीक है, तो ये था आपका जो ईरान और चीन के बीच संबंध बने हुए हैं और भारत पर क्या प्रभाव है उसी की कहानी। ठीक है।